हाँ माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मेरे पास में एक पार्सल आया है, जिसमें ये पार्सल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक पार्सल ये है और एक पार्सल और दिखाता हूँ। मेरे पास ये दो पार्सल आए हैं और इसमें मेरे को भरकर आईफोन आए हैं और मुझे एंड्रॉयड के फ़ोन आए हैं, जो मैं बनाता हूँ एक तरह से बिल्कुल फ्री, मान के चलो, जो हमारे सब्सक्राइबर के लिए। हम उनको बिल्कुल पैसा नहीं लेते हैं और ये हमारी केस स्टडी हो जाती है और हमारे स्टूडेंट को। तो हमारे शॉप से, हमारे एक शॉप भी है दोस्तों, इसे टेलीकॉम ने नई शॉप खोली है, हम आपको बताएंगे। उसका अभी रिनोवेशन चल रहा है और जो हमारे इसे टेलीकॉम के स्टूडेंट के लिए भी एक हो जाता है और हमारे को भी बहुत प्रैक्टिकल मिलता है, क्योंकि हमारे को भी डेली बहुत सारे फ़ोन आते हैं। जैसे बता दूँ, अभी मैंने फिलहाल इससे पहले एक आईफोन 7 बनाया था, इसमें ये डेड आया था और इसका वीडियो भी आप देखेंगे। और इसके बाद मैं हमने डेड चालू किया, फिर उस पर डिस्प्ले नहीं आ रहा था और डिस्प्ले इसका बनाया। फिर उसके अलावा हमने ये 3 आईफोन और बनाए, तो ये आईफोन 5S, ये हमने नेट का प्रॉब्लम था इसमें, हैंग ऑन लोगो जैसे आप देख सकते हैं, आप लिखा होगा। ये हमने अभी इस पर काम किया नहीं है, अभी इस पर काम करेंगे। 2 सर्विस का है और एक डेड का है, इसे सेस है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने आईफोन बनवाने हैं कम कीमत पर, तो हमें भेज सकते हैं, हम आपको बना के दे देंगे। पर टाइम लिमिट की कोई गारंटी नहीं, बोल सकते कि 2 दिन 3 दिन, क्योंकि हमें क्लासेस भी चलानी है और बनाने भी है, तो हमारे को थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। बस ये बार के चलो चलो अभी के केस में आपको क्या बता रहा हूँ, वीवो Y69 लाइट सोल्यूशन। अब देखो कि कस्टमर आपको कैसे भेजेगा, तो देखिए कैसे किस लेवल पे इन्होंने काम किया हुआ। ये हमें आया है सेवनी से, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये राहुल करके कोई है हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने भेजा हुआ है। तो ये MP से ही है, तो ये हमारे स्टूडेंट नहीं, क्योंकि स्टूडेंट तो हमारे बना ही लेंगे ये सेट और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देखिए कि इसमें लाइट का सेक्शन भेजा हुआ है और आप देखिए इसमें लाइट सेक्शन पूरा गायब है। तो क्या क्या गायब है, आप तो थोड़ा सा डीपली में अगर डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर लाइट IC आपको दिखाई नहीं देगी, जो यहाँ लगी होती है D8, यहाँ पे आपको बूस्ट कॉइल दिखाई नहीं देगा, आपको लाइट डायोड दिखाई नहीं देगा। सो बेसिकली यहाँ पे सारे सेप्शन हिले हुए हैं और इवन इसका जो बूस्ट कॉइल भी हमें चेक करना पड़ेगा कि जो बूस्ट कैपेसिटर बिल्कुल सही है कि नहीं, बूस्ट कॉइल तो है ही नहीं इसमें। तो चलिए ये सब करते हैं और देखते हैं कि लाइट आती है कि नहीं आती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी सेट में अगर आपके पास में लाइट और डिस्प्ले का फॉल्ट आ रहा है, तो उसको कैसे चेक करना है कि वो फोन ऑन है कि नहीं है। तो ये हमारे से ले लीजिए आज गुरुज्ञान फ्री में, और जितने भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट में, वो भी फ्री में सीख जाइए और अपना नॉलेज बढ़ा लीजिए। तो यही एक रीजन है कि हम अपने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे से नॉलेज स्प्रेड हो, क्योंकि सीखा तो हमसे ही आगे। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो देखिए, हमने यहाँ पर इसको चार्जिंग में लगाया है और आप चार्जिंग की अगर यहाँ पर एम्पियर की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चार्जिंग के एम्पियर हमको दिख रहे हैं 1.60, जो कि एक ऑन रीडिंग की मोबाइल होती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑन होता है उसमें, कई बार बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, जैसे हैंग ऑन लोगो भी होता है और EMMC के भी फॉल्ट में भी कई बार 160 चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या, क्योंकि वो बूट तो हो रहा है ना, वो 160 में इसलिए चले जाएगा। क्या ये पूरा फुल बूट हो रहा है, इसका कोई सी नहीं है, लाइट के लिए आया है, क्योंकि आपको वैसे भी देख रहे हैं कि इस पर लाइट नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसका लाइट बनाते हैं, और लाइट बनाते बनाते हम अपने कोर्स की डिटेलिंग करेंगे, और ताकि आपको समझ में आए कि एसर टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करना है, क्यों है एसर टेलीकॉम इंडिया में, और क्या हम अलग दे सकते हैं। और दोस्तों हम बता दें कि हम डुअल CPU भी सिखाते हैं स्टूडेंट को, और कोशिश ये रहती है कि हमारी हम उनको बोर्ड भी दें फ्री में, और बाकी इंस्टीट्यूट बोले और करवाए नहीं, वो एक अलग बात होती है। पर हम अपने स्टूडेंट से क्लीनिंग प्रोसेस पूरा करवाते हैं, ताकि उनको समझ में आए कि कैसे करना है। और डुअल CPU में जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, अगर वो क्लीनिंग भी कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट हो जाता है, क्योंकि पैटर्न में तो सारी चीज़ें ही आती हैं। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि उनसे 4G CPU तो हम करवाई लें। तो आप देखिए, तो सबसे पहले मैं इसका बोर्ड बाहर निकाल लेता हूँ। तो हमारे को अगर नॉलेज नहीं होगा दोस्तों, तो ऐसे बोर्ड को हम कभी नहीं बना सकते जहाँ पे आपको IC मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले आपको सर्किट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कैसे पता किया कि यहाँ पे 8 लाख की IC या आपकी D8 है, हो सकता है कि आपकी D6 हो या कोई और IC हो, क्योंकि वो भी 8 लाख की होती है और दूसरे ओप्पो के मोबाइलों में भी लगी होती है। तो आप है ना बदल बदल के लाइट IC देखोगे, ऐसे में अपना CPU भी शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी AN की लाइन पे अगर आपके 4 वोल्टेज गलती से चले गए, या आपने बाईपास करने के चक्कर में इसमें 6 लाख का लैग IC लगाया, तो ये आप अपने सेट को लिटा दोगे, कस्टमर आपका रोएगा। तो ये हमको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। तो ये सिम कनेक्टर इसमें लगा दो सर, K20 वाले में, ये K20 ये निकला ना, K20 जो अभी देना है। तो अब हम यहाँ पर देखिए,
ये मैंने इनका सेट बाहर निकाल लिया है और इसमें मैं कैमरा निकाल लेता हूँ, हीटिंग में कैमरा खराब हो सकते हैं, तो ये मैंने कैमरा निकाल लिया है। और कैमरा निकाल के जैसा इसका ये था ना, क्यों फोन का क्या ये था ना Y20 का फोन का ये, अच्छा ये K20 का, ये इसमें डाल देना। Y20 का ऐसा कुछ नहीं आएगा, Y20 का इसका डिब्बा किधर है, डिब्बा देना इसके डिब्बे में, ये हाँ ये चाहिए ना मुझे, ये K20 उसमें ही डाल दो, वो वाला दो, दूसरा वाला ये दो, इससे Y20 का निकाल लो, हाँ ये मुझे दे दो। तो ये तो मैं देख लीजिए, मैं इसमें डाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है बाक में फिर मैं यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ से पता नहीं चलता है कि जो भी इसके स्क्रू है, तो सब कुछ इसमें डाल दूंगा, तो ये इसमें ऐसा पैक भी कर सकता हूँ, तो भाई ये सब सेफ रहेगा, तो सेफ रहना चाहिए मामला। तो सबसे पहले बात हम यहाँ पता कर लें, क्योंकि बोर्ड में काम कितना कितना हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड में कैसा काम आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना पेस्ट आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जम्पर मारा गया है, उस वजह से यहाँ पर रंगा लगाया गया है, और यहाँ से स्कर्ट को पूरा हिलाया हुआ है सर्किट। बाद में आप देखिए यहाँ पे भी कंपोनेंट निकले हुए हैं, और अगर ये कंपोनेंट की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, तो टेस्टिंग पॉइंट पे भी यहाँ पर जम्पर मारा गया है, पता नहीं क्यों मारा गया है, तो मुझे पता नहीं है। यहाँ पे भी आप देखिए कि जम्पर मारने के लिए लिया हो गया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि चैलेंज का आईसी लगाया होगा इसमें, तो जुगाड़बाजी की होगी, चक्कर में कुछ भी नहीं चल रहा होगा। यहाँ नीचे से भी कंपोनेंट निकले हुए हैं, तो हमारे को नीचे से कंपोनेंट की बात करें तो वहाँ पे कुछ कंपोनेंट होते नहीं है हमारे, तो ये हमारे जैसे ही है। ये हमारी डिस्प्ले ऐसी लगी हुई है, अब ये भी आउटपुट दे रही है कि नहीं दे रही है ये पता नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले पे हाँ ऐसा है कि हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखिए हमने यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे इसको 20 वोल्ट पे रखेंगे, और यहाँ पे इसको हम ऑन करेंगे और इसको लगाएंगे, क्योंकि हम ऊपर हैं तो आसानी से हम चेक कर सकते हैं चार्जिंग पे, और चार्जिंग पे लगाने पर ये हमको डिस्प्ले दिखा रहा है, मतलब हमको 1.6 एम्पीयर पे ले जा रहा है, तो ये हमारे को ले जाना चाहिए +5 -5 वोल्टेज पर। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, आई होप कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। दोस्तों अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलेगा बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर, और जितना यहाँ मिलेगा तो उतना गारंटी तो नहीं है कहीं और मिल जाए, पर है इतना यहाँ पर तो मिल ही जाएगा। तो देखो +5 -5 दोस्तों मुझे मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर, मुझे 4 वोल्टेज तो मिल रहे हैं पर मुझे +5 -5 नहीं मिल रहे हैं। एक बार मैं फिर से चार्जर निकाल के लगा के एक बार चेक करता हूँ, हाँ देखो दोस्तों +5 -5 मुझे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरा ग्राफिक बिल्कुल सही है। मुझे इसमें सिर्फ लाइट बनाना है, तो अब लाइट को एक बार हम आईसी को लगा देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी एक बच्चा भी लगा सकता है। आईसी का काम दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है फोल्ड पार्टी को टेस्ट करना, जो कि ऐसा टेलीकॉम सिखाता है। आईसी तो हम आपको 2 दिन में ही आपको सिद्धू और EMC निकालना लगाना सिखा सकते हैं, तो एक बार ट्रेसिंग करेंगे इसकी, कंट्रीडी से ये पता चलता है कि इसकी एनोड और LED कैथोड की लाइट हमारी प्रॉपर है कि नहीं, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, पहले आईसी में हम देख लें। तो आईसी में ये हमारी एनोडी की लाइन है जो हमारे को यहाँ पे बीट देना चाहिए, और ये हमारी कैथोड की लाइन है जो यहाँ और एक यहाँ पे बीट देना चाहिए, ये जो दे रही है। और इसके साथ यहाँ पे I2C लाइन है, तो यहाँ पे I2C लाइन पे रीडिंग आना चाहिए हमारे, तो I2C लाइन में कुछ कॉम्पोनेंट ओवर होने के कारण भी रीडिंग नहीं आ सकते हमारे को यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये हमारा बूस्ट पे लगा हुआ है, जिसका एक सिरा इधर और एक सिरा इधर, ये हमारा डायोड है जिसका एक सिरा इधर, और ये हमारा आउटपुट होगा जो कि इधर से निकल रहा है हमारा आउटपुट, और इसमें एक CABC की लाइन होगी दोस्तों। तो हमारा जो HDSCL की लाइन है वो ये लाइन होती है, तो यहाँ पर हम रीडिंग के ऊपर चेक करेंगे, तो हमें प्रॉपर रीडिंग आ रही है, और यहाँ पे भी हमें प्रॉपर रीडिंग आ रही है, HDSCL हमारा बिल्कुल सही है। तो एक बार हम इस
आईसी को एक बार अपनी तरफ से भी क्लीन कर लेंगे और उसमें आईसी लगाएंगे और कॉम्पोनेंट भी बिठाना है हमको। तो ये देखना है क्योंकि पीछे हमारा जो सीपीयू लगा हुआ है वो ब्लैक पेस्टेड सीपीयू है और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सीपीयू को हीट हो। और दोस्तों अगर आप 17-16 साल के भी हैं तो ये काम सीख सकते हैं और अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं की है तो भी ये काम सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर हमने पढ़ाई की है हम बस छोटे हैं क्या काम सीख सकते हैं क्या। बस ये है कि ये काम आपको पैशनेट लेना है कि अगर ये काम करना है तो यही काम करना है, फिर आपको दूसरे काम में मूड नहीं लेना क्योंकि इस काम में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है और नॉलेज बढ़ाने के लिए इस काम में बहुत सारे टूल इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ती है। अभी सोची थी फोल्डिंग आयरन से या फिर आप एक SFD से ये काम चालू करते हैं तो बिल्कुल गलत है। अभी के फोनों में फोल्डिंग आयरन SFD तो काम करते ही नहीं है। अभी के फोनों में फॉल्ट फाइंडिंग भी कहाँ फॉल्ट आया है उस हिसाब से काम करना पड़ता है। अच्छा दोस्तों मैं बताऊं कि हम ये कौन से IC लगाएंगे, तो आप देखिए हमने ये IC खरीदी है ZX Malik से, GX Malik सब ने उसे IC खरीदी है, लाइट डायोड और लाइट IC। तो ये हमारी लाइट IC है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत छोटी सी लाइट IC आपको दिखाई देगी और ये हमारी लाइट डायोड है। ये लाइट डायोड भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए। तो आप सोच रहे होंगे कि दूसरे बोर्ड से निकाल के TV लगाते तो बिल्कुल लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास तो बहुत बोर्ड है, मतलब मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में इतने बोर्ड होंगे किसी के पास एक सप्लायर के अलावा। पर जनरली क्या रीज़न है कि हम दूसरे बोर्ड नहीं लगाते हैं, मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि अगर ये बहुत सस्ते आते हैं दोस्तों, 70 या 50, 70, 60 रुपये की आया होता है, लाइट 80 रुपये की है और डायोड 40 रुपये है, उससे भी कम का है, तो एक नई चीज़ लगाने से एक बेटर मिल जाता है निकालो लगाने में। तो ये हमारे को आसानी भी पड़ती है और ये होना भी आपके लिए चाहिए क्योंकि ये बेस्ट होता है और ये इतने छोटे डायोड पे आपके लिए उसके लिए लेटेस्ट बोर्ड होना भी जरूरी होता है। तो वो ऐसे समय में बचा लो जब आपके पास डायोड ना हो तब आप बोर्ड यूज़ करो, ऐसे टाइम पे आप 70 रुपये का अगर ये 40 रुपये का भी है तो 10 मंगा लो, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों अगर आप एस्टेट टेलीकॉम ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट ये है कि पहले तो आपको वेल एक्सपीरियंस टीचर का आपको मिलेगा नॉलेज दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल ट्रेनिंग में बहुत से लोग सिर्फ सीख कर ही ट्रेनिंग देने लगे हैं, मतलब किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, 2 महीने प्रैक्टिस भी नहीं करते और ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैमी है एक तरह से आप समझ लो, पास है। आप टीचर की भी एजुकेशन पूछें, अगर टीचर खुद 12वीं पास या 10वीं पास है तो वो क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज देगा, मतलब वो भी कहीं से सीख कर आया है और किसी दूसरे का ज्ञान आपको दे रहा है। तो टीचर एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंजीनियर होना चाहिए, या तो हमारी जो नॉलेज है और हमारी जो पढ़ाई है वो काफ़ी हाई एक्सपीरियंस और हाई क्वालिफाइड है। और एक्सपीरियंस तो खैर अलग ही है क्योंकि हम तब से पढ़ा रहे हैं जब हाईटेक के ज़माने से, मतलब हमारा इंस्टीट्यूट था पर तब हमारा सब जबलपुर में छोटे लेवल पर था, पढ़ा आज इंडिया लेवल पे और आउटसाइड इंडिया के भी लोग आते हैं हमारे से पढ़ने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो पढ़ाने का टाइम है वो भी सबसे ज़्यादा है, 12 घंटे, जो कि कोई नहीं देता है पूरे इंडिया में, और डेली एक दिन की छुट्टी नहीं हम देते हैं और हम हर चीज़ में प्रैक्टिकली करवाते हैं, हम थ्योरी नहीं करवाते और ना ही हम ये बोलते हैं कि 10 घंटे आपको पूरा प्रैक्टिकल देंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 10 घंटे का प्रैक्टिकल की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जब तक आप उसको सर्किट में नहीं समझोगे, जब तक आप उसको ये नहीं समझोगे कि आपको करना क्या है, आपको किस लाइन को निकालना है, किस कंपोनेंट को निकालना है, उसको आपको समझना है, समझेंगे नहीं तो वो 10 घंटे का प्रैक्टिकल भी बेकार है। और अगर कोई काम को आप बहुत लेंदी कर तरीके से कर रहे हैं तो मतलब समझे कि वो काम सामने वाले को आ नहीं रहा है सिखाते हुए, और वो आपको उस काम में इतना उलझा देगा कि आपको ये कोर्स ऐसा लगेगा कि ये यार हमसे तो हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर आपको हॉस्टल और जो रहने खाने की जो सुविधा है, मैस की सुविधा, वो बिल्कुल फ्री है और वो एक्चुअली उसकी जो फ़ीस है वो उसकी जो भी फ़ीस होती है, जो भी उसका पैसा होता है, वो हॉस्टल का जो भी फ़ीस होता है, जो भी पैसा होता है, वो आप ट्रेनिंग में ही इंक्लूडेड होता है। तो आपको वो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी है कंप्लीट पैकेज के रूप में आपको बुलाया जा रहा है। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है हॉस्टल मैस या जो भी टूल्स के जो एक्स्ट्रा मटेरियल के जो पैसे यूज़ होते हैं वो आपको बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर विदाउट बोर्नियो पढ़ा जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बोर्नियो से ही पढ़ा जाता है, यहाँ स्कीमेटिक लेवल पर पढ़ाया जाएगा क्योंकि आज की डेट में बोर्नियो बनाई इसके लिए जिसमें सबसे ज़्यादा सेमेटिक्स मिलते हैं, तो सेमेटिक्स को रीड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर टूल होना जिसमें सेमेटिक्स हो। तो हम बोर्नियो प्रो, कॉम्बिनेट प्रो और हम ही हैं पूरे इंटरनेशनल
लेवल पे कि हम प्रैग्माफेक से भी पढ़ाते हैं और विदाउट सॉफ्टवेयर, अगर आपको ये भी बताएंगे कि, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि वीवो के मॉडलों के, सैमसंग और ओप्पो के तो आपको मिल जाएंगे एमआई के, बट वीवो के मॉडलों के आपके डायग्राम नहीं मिलेंगे। तो वीवो के मॉडल के डायग्राम बहुत डिटेलिंग में बताते हैं, जैसे अभी देखिए हम वीवो के ही सेट बना रहे हैं और हम विदाउट डायग्राम, आप देखेंगे तो वीवो Y69 का आपके पास डायग्राम होगा, आप अगर गूगल में भी ढूंढोगे ना तो ये डायग्राम आपको मिलेगा नहीं। तो इसके बाद भी हमने इसको पहचाना और इस लेवल पे तो बहुत हद तक सॉफ्टवेयर हमको मदद करते हैं, पर डायग्राम के साथ में अगर नॉलेज हो तो हम हर एक फ़ोन बना सकते हैं। तो हम स्टूडेंट को हर एक सर्किट का नॉलेज इस तरह से देते हैं कि वो फिर सेक्शंस को देखकर ही वो कर लेता है और उसके पीसीबी देखने का नज़रिया बदल जाता है। दोस्तों हम इसमें पीसीबी पर आपको 80% आईसीओ का नॉलेज देंगे, जिसमें आईसीओ के नंबर देखकर ही आप बता सकते हो कि ये कौन सी आईसी है, अगर दो पावर लगी है तो PM1 और PM2 में बता सकते हो कि PM2 कौन सी लगी है, उसका विदाउट नंबर देखकर बहुत इजी पड़ जाता है। दोस्तों हम कोई भी मोबाइल फ़ोन को ट्रेसिंग करवाने का हमारा जो तरीका होता है वो हम पहले उसको GR चेक करवाते हैं, फिर उसके ऊपर के वोल्टेज चेक कराते हैं, इनपुट और आउटपुट, और फिर आईसी निकाल के उसके फिर आईसी निकाल के उसके आउटपुट और इनपुट वोल्टेज या जो उसके कमांड वोल्टेज होते हैं जो CPU से आते हैं या फिर EN सिग्नल जो कि उसको मिलते हैं एक्टिव करने के बाद, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकली लाइव स्टूडेंट के सामने आईसी लगाते हैं और फिर उसके बाद में उसके आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम DSO से अगर उसकी डाटा लाइन है या क्लॉक लाइन है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेक करके बताते हैं कि उस पर फ्रिक्वेंसी बनती है कि नहीं बनती। तो एंडलेस काम आप ऐसे टेलीकॉम में सीखेंगे और उसी के बाद आप एंडलेस काम कर पाएंगे। तो ज्वाइन करें ऐसे टेलीकॉम, बहुत जल्द मिलते हैं क्लास में। तो देखिए हमारी लाइट आ चुकी है, जैसे कि मैंने बताया प्रॉपर नॉलेज के साथ में काम होता है, अगर आईसीआर भी होंगी तो भी आप सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। अब देखिए अभी है हमारा साइड बिल्कुल ओके हो चुका है। एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट को, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।